चूहा पुल से दीवा खाड़ी तक की जा रही है जोरदार भरनी, वो भी पुलिस बंदोबस्त में। कुल मालिकों का किया जा रहा है दमन, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेगी रिहायशी इमारतें। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा फायर ब्रिगेड स्टेशन से लग करके चूहापुल खाड़ी और चूहापुल का ये ब्रिज सभी मुमरा कौसा वासियों को और आसपास के दीवा, दातीउली, साबे, ये तमाम जितना ग्रामीण का जो दीवा के उस तरफ का इलाका है सभी को पता है। यहाँ के भूमि पुत्र हो, यहाँ के किसान हो और यहाँ के पुराने जो है आगरी कोली समाज के लोग हो, ये तमाम लोग जो है और मुमरा कौसा के नए शहरी पिछले 20-25-30 वर्षों से 40 वर्षों से जो रहे और पुराने जो है वो तो है, तो इन सभी को पता है। अब यहां पर आपको बता दें कि पिछले एक लंबे अरसे से बड़े पैमाने पर जो है खाड़ी को पाटने का काम किया जा रहा है, मैंग्रोव बड़े पैमाने पर नष्ट किए जा रहे हैं और सबसे पहले ये काम रेती माफियाओं द्वारा शुरू हुआ था कुछ वर्षों से यहां पर, मगर अब यहां पर जो है भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। ज्यादातर इसमें जो अब तक अधिकृत कोई बोलने तैयार नहीं है, तो क्या मामला है वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है, वो हम आपको अंत में बताएंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम आपको यहां की जमीन हकीकत बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भरनी की जा रही है और भरनी करने के दौरान दीवा में रहने वाले बहुत सारे ऐसे पुराने 50 साल 75 साल ऐसी जिनकी परंपरागत पीढ़ियों की यहाँ पर कुल कानून के तहत जमीन रही है, कुल कायदे के तहत। तो ये कुल कानून के तहत जो जमीन थी जहाँ पर चावल की खेती और खेती खत्म होने के बाद जो है दूसरे झाड़ वगैरह नारियल के आदि ये तमाम लगा करके लोग अपने जो है यहाँ पर गुजारा कर रहे थे, अब ये पूर्वजों से चला आ रहा है पूरा सिलसिला। और थाने कलेक्ट्रेट में, जिलाधिकारी कार्यालय में, राजस्व विभाग जो है तो वहां के जो एंट्रीज है वो भी बताती है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कुल कायदे में यहां पर दर्ज है। तो अब यहां पर ये बड़े पैमाने पर भरनी हो रही है। आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ये भरनी कैसे की जा रही है, दूसरी चीज ये भरनी कौन कर रहा है, तो इसके बारे में जो कुल कानून के तहत जो जमीनों के उपभोग करता है जो यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं तो वो तमाम लोग भी जो है इस पर कोई स्पष्ट जानकारी दे नहीं पा रहे। किसी कुणाल महात्रे का नाम जो है उन्होंने जिक्र किया है बातचीत करने के दौरान, तो निश्चित तौर पर ये खुलासा नहीं है कि ये भरनी कौन कर रहा है। आपको बता दें कि ये भरनी जो है दीवा और मुमरा दोनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। मैंग्रोव जो है बड़े पैमाने पर खत्म किए जा रहे हैं और पूरी खाड़ी पाट दी जा रही है। खाड़ी पाटने के साथ साथ, मैंग्रोव खत्म करने के साथ साथ जो उपजाऊ और खेती वाली जो जमीन थी जिसमें बारिश के वक्त जो है चावल की खेती हो जाया करती है, ऐसी जो खेती थी वो भी खेती पूरी तरीके से नष्ट कर दी जा रही है। तो ये भरनी जब होगी तो बारिश के दौरान जो है फिर एक बार दीवा डूबेगा, फिर एक बार मुमरा कौसा भी जो है वो संकट की चपेट में आएगा। ये एक सबसे बड़ा इससे खतरा है। अब भरनी क्यों की जा रही है, तो ऐसी चर्चाएं हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इमारतें बना करके, रिहायशी इमारतें बना करके वो खड़ी की जाएगी। अब वो किसे मिलेगी, किसको देंगे, वो अलग मामला है। तो ये तमाम जो है पूरा घटनाक्रम है और इसमें आप देखिए कि जो कुल कानून वाले हैं, दीवा गांव के जो भूमि पुत्र है, उन्होंने क्या हमसे बातचीत की है, क्या पूरा मामला उन्होंने सामने रखा है और कब से ये चल रहा है, इनकी जमीनें कितनी थी, इन्होंने खंबे कैसे लगाए थे, तार और बाड़ कैसी लगाई थी, और वो सब जो है मटियामेट करके भरनी कर दी गई है। तो क्या ये लोग कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब अंत में आपको बता दें कि यहां पर ये चूहापुल खाड़ी से आगे तक का जो है, यहां पर आपको विजुअल्स हम जो दिखा रहे हैं उसमें आप एक बड़ी ब्लू पत्रे की जो है नीले रंग के पत्रों की लाइन आप देखोगे कि कितनी बड़ी बाउंड्री मार दी गई है। तो ये लगभग 100-150 एकड़ जमीन है और मुंबई के एक व्यापारी है धर्मेंद्र गोयल, बताया जाता है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी। अब इस जमीन पर कईयों के कुल है खेती वगैरह करने के एतबार से जो है, और राजस्व विभाग की जो एंट्रीज है जो वहां पर दर्ज किया गया है उसके मुताबिक ये कुल है वहां पर, तो कुल को भी उसका अपना अधिकार मिलना चाहिए, ये जमीनों से संबंधित कानून कहता है। तो ये धर्मेंद्र गोयल की जमीन अब जो है लता गोयल है और आदित्य गोयल है, उनके परिवार के सदस्य है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जमीन मालिकों ने किसी को ये काम पूरा सौंपा है या फिर डेवलपमेंट के लिए किसी के साथ कोई करारनामा किया है और उसके बाद जो है व्यवस्था को पूरी तरह से हाथ में
लेकर के यहाँ पर यह भरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि 2021-22 के जो पेपर्स हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे जो कुल कायदे के तहत इन भूमि पुत्रों ने हमें दिए हैं, तो वो आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ठाणे जिला कार्यालय के राजस्व विभाग ने, वहां के तहसीलदार है, उन सभी ने जो है इनके कुल के अधिकार को स्वीकार किया है और उसे वहां पर अबाधित रखा है। तो फिर इनके अधिकारों का यहाँ पर दमन करके ये भरनी कैसे की जा रही है, और वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अभी संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका ठाणे जिला, उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनका संसदीय क्षेत्र, ये सभी जो है इस पर लागू पड़ रहा है। तो उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर जो काम हो रहा है उस पर सिस्टम कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? पुलिस बंदोबस्त किस तरह से दिया गया है? कोई फीस वगैरह भर के पुलिस से बंदोबस्त लिया गया है, या पुलिस ने किसी सरकारी योजना के सुरक्षा के तहत ये सुरक्षा मुहैया कराई है? ऐसे कई सारे सवाल है, लेकिन जवाब देगा कौन? ठाणे के जिलाधिकारी देंगे, ठाणे मनपा के आयुक्त देंगे, ठाणे के पुलिस आयुक्त देंगे, या इनके साथ साथ दूसरे जो मातहत वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उपायुक्त और उप जिलाधिकारी दर्जे के, वो देंगे? भाई क्या नाम है आपका? माझा नाव सुमित बलिराम खंडाले, रानर साबेगा, दिवस स्टेशन पूर्व। सुमित भाई, ये जो अभी ये भरने चालू है, हम यहाँ खड़े हैं और आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स भी है, ये भरने किस कारण हो रही है और क्या इस भरने का पूरा राज? हमको कोई कुछ बता ही नहीं रहे, हम इतने सब लोगों से पूछ रहे, पुलिस लोग आए उनको पूछ रहे, बोलते तुम्हारे पेपर दिखा, हमारे पेपर दिखाया, 1957 का हम कुल है, हमारे पास पेपर है, हमारे पास ऑर्डर है, कुल में नाम है हमारा, हमको बिना बताए बिना नोटिस इशू किए इधर भरनी चालू कर दिया हमारी खेती में, हम लोग क्या करेंगे? ये खेती आपकी काई खेती है? इधर धान का खेती होता था, चावल का खेती, चावल का खेती। कितने साल से आप इधर? इधर से कम से कम अभी 45 साल से कर रहे हैं। 45 साल से माजी, क्या नाम है? माजी, ये जो खेती थी आप इधर कितने साल से है? मेरा शादी हो गया तभी से मैं कर रही हूँ, मेरी शादी को 45 साल हुआ है, पहले मेरे सास करते, सास ससुर करते थे। मतलब ये आपकी जमीन है, आपके कुल की जमीन है और आपको बिना माहिती दिए इधर भरने चालू कर रहे हैं? कुछ नोटिस इशू नहीं किया हम लोग को, कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही आके डायरेक्ट भरने करते हैं। तो अभी आप लोग किसी को पूछने के लिए जाएंगे, भाई तुम लोग ये क्या कर रहे हैं? तो कोई हमको बताते नहीं, किसी का भी नाम नहीं, कुछ नहीं, खाली पुलिस लोग आते हैं और हमको बोलते हैं आपका पेपर दिखाओ, पेपर दिखाएंगे बोलते पुलिस चौकी चलो, ये क्या चल रहा है? ये खाली पुलिस चार दिन से विवाद चल रहा है और इस विवाद को लेके पुलिस भी मतलब कोई साथ नहीं, कुछ भी साथ नहीं, कोई पुलिस भी नहीं साथ दे रहे, कोई मंत्री भी साथ नहीं दे रहे, हमको पेपर दिखाई नहीं रहे, कोई क्या इधर प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या दिखाई नहीं रहे। ये खाड़ी जो कब्जा हो रही है उसके बारे में कोई किसी को कुछ मालूम नहीं, कौन भर कर भरने कर रहे हैं, क्या कर रहे, कोई पुलिस भी नहीं बता रहे, खाली पुलिस स्टेशन चलो बोलते हैं, पुलिस स्टेशन जाके क्या करेंगे वहाँ पे? हम लोग इधर कैसे खेती लगाएंगे? दो दिन पहले, तीन दिन पहले एक खबर भी चली थी, एक महिला थी वो खड़े रह के कह रहे थे हमारे पास परमिशन है और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है उनके पास वो हमको दिखाओ, हमको नोटिस इशू करना चाहिए, भराव करने से पहले। महानगर पालिका ने भी आपको कोई नोटिस नहीं, किसी ने भी नहीं। आपकी इस खेती में यहाँ पर हम देख रहे हैं मैंग्रोव भी है और ये पूरी खेती नष्ट कर दी गई, नष्ट। पहले रेती निकाल देते इधर, वो रेती का पानी अभी खेती में आने लगा, इसके वजह से अभी खेती भी हमारा हो नहीं रहा, उनको भी रुकाया और रेती का होड़ी भी हम रुकाया, उधर से खोद के आ रहे थे पूरा चुहा पुल से, वो भी हम लोगों ने रुकाया, पूरा खेती नष्ट कर दिया हम अभी खेती करेंगे। उन्होंने खेती खराब की है, अभी इन लोग खराब कर रहे हैं, फिर खाने का क्या हम लोग? ये जो आपका प्लॉट जो अभी इसमें भरने की जा रही है, ये भरने रात में होती है, दिन में नहीं होती है? दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। अच्छा, लगातार लगातार पूछने को आएगा तो बोलते चलो सीधा पुलिस स्टेशन, कोई पूछने पूछेंगे तो पुलिस आती है, बाकी कोई नहीं आता, चलो पुलिस स्टेशन आपके ऊपर। अभी भी आके आए थे पुलिस, बोल रहे हैं आप काम मत रुको नहीं तो आपको आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या नाम था ऑफिसर का? नहीं, नाम नहीं बताया हमको, थ्री स्टार थे क्या कौन थे वो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा एक बाइक लेके आए थे सिविल ड्रेस पे, सिविल ड्रेस पे थे। तो वो आपको मतलब कौन सी चौकी? मुमरा चौकी वहाँ आने बोले या दीवा चौकी बोला? दीवा बीट पे बोला, मतलब मुमरा चौकी तक ये विवाद नहीं जा रहा है, दीवा बीट पे नहीं, दीवा मुमरा चौकी में भी विवाद है, हमको बोले कि तुम मुमरा जाओ या दीवा जाओ, किधर भी जाओ लेकिन जाओ। तो इसमें जो आप बता रहे नारियल के झाड़ आपके कितने थे? इधर से 15-20 नारियल के झाड़ थे आपके लगाए? नारियल के झाड़ थे, इधर हमारे खंबे थे, तार था, इधर सब नष्ट कर दिया भराव डाल के, ये जो सामने खंबे लगे हुए, हाँ ये हमारे, ये मतलब ये आपकी जमीन का बाउंड्री है, बाउंड्री किया हुआ है।
और ये बाउंड्री भी मतलब दबा दी गई है इस भरने के नीचे झाड़ थे नारियल के वो भी दबा दी नारियल के झाड़ भी दबा दिए उन लोगों ने तो अभी आप मुंब्रा पुलिस से और उनके वरिष्ठ अधिकारियों से और महानगर पालिका के कमिश्नर से आप क्या आह्वान करेंगे? हम यही बोलेंगे हमारे कुल कायदे का जमीन है हमको चाहिए, नहीं तो क्या है वो हमको बताओ, इधर क्या प्रोसीजर चल रहे है हमको समझना चाहिए। यहाँ कोई बोर्ड भी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, गवर्नमेंट का कोई बोर्ड नहीं है, बस मतलब अवैध भरने चालू है, बस भराव कर रहे है, जो रोकने आएगा उसको चौकी में बेचते हैं। अच्छा, जो आएगा उसको चौकी में बेचते हैं, उसको ये भी नहीं बोला जाता है महानगर पालिका जाओ चेक करो और ये कुछ भी नहीं, सिर्फ चौकी में बेच रहे। भरनी कौन कर रहे बताओ, वो भी नहीं बता रहे, हमको पता नहीं, चौकी में बता रहे। तुम्हारा पेपर बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ? तो ऐसी ये कुल के कितने लोगों की जमीन यहाँ ये भरने की गई? तो कितने लोग है टोटल? काका क्या नाम है आपका? राम जयराम पटी। आपकी यहाँ किधर है जमीन आपकी? मेरा इसके जमीन को लग के ये कंपाउंड से, ये कंपाउंड से आगे, ये खंबे के वो साइड का, वो साइड में, वो आपकी जमीन है। 87 सर्वे नंबर। अच्छा, आपको आपको भी कुछ बोला गया है या बिना बोले ये भरनी अवैध चल रही? ये बिना बोले भरनी चल रहे है और ये कांदल वन पूरा नष्ट कर रहे है। ये भरनी जो हो रही है ये कौन कर रहा है ऐसे कुछ मालूम आता आपको? कुछ बताता नहीं ये लोग, कुछ नहीं बता। हम लोग 50 टाइम बोला, हम लोग को जीआर बताओ क्या निकलेला है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मी भी बैठे हुए भरने करने वालों का साथ दे रहे हैं, तो वो भी नहीं बताते क्यों बैठे हैं और क्यों, मतलब हमने हमारा पेपर दिखाया, कुछ माहिती नहीं है, कुछ भी माहिती नहीं है, खाली बैठे हुए। अब रोकने आ रहे तो आप लोगों को चौकी देंगे। हम पेपर दिखाया, पेपर वर्क बताया उनको, उनका पेपर क्यों, वो लोग नहीं बता रहे। हमको बोलते पुलिस स्टेशन में जाकर उनका पेपर देखो और हमारा पेपर इधर दिखाते है, उन लोग इधर आते नहीं है, उनको बोलते वो उधर आएंगे। भाई क्या नाम है आपका? सचिन सुनाई। आपकी जगह किधर है इस भरने में? मेरी जगह उधर है, तो तलाव के बाजू में, तलाव के बाजू में मेरे इसमें भी वो मैं ये है क्या बोलता है कांदोल है। हाँ। अभी पहला कैसा खाड़ी था, अभी ये खाड़ी पे भरनी कर रहा है, ये हमको बिना इंफॉर्मेशन दे के जगह डायरेक्ट हड़प कर रहा है। कौन है ये? कौन है वो मालूम ही नहीं है हमको। अच्छा, मतलब कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है डायरेक्ट? अभी हमने खबर देखी थी उसमें कुछ महिलाएं विरोध कर रही थी, हमारा जमीन है, गांव वाली थे, सब फार्मर लोग थे हम लोग। अच्छा, मतलब ये आप लोगों को मालूम ही नहीं है कौन भरने कर रहा है? अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे है, अभी हम खेत पे आए थे, हमने देखो हमने बकरी है हमारा खेत में, वो रास्ता बंद कर रहा था हमारा, तो हमने बोला हम आत्मदहन करेगा डायरेक्ट। मैं सोशल मीडिया पे आया था मेरे फेसबुक से, ये देखिए मैं आपको ये भी अभी फोटो दिखा रहा है। अभी ये मेरा छोटा बच्चा है, स्कूल को छुट्टी पड़ा है, तीन बच्चे है, अभी इनको कौन मेक करेगा हमारे? एक ये देखो ये बच्चा, ये देखो हमारा ये बकरी का, ये देखो क्या उधर मुर्गी है, भैंस है, हाँ सब हमने हमारे अभी खेती नहीं होता है देखा, मतलब वो आपकी जमीन पे हमारा जमीन है, इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं। यहाँ पे एक जन था भरने वाला, उनको हमने पूछा ये कौन कर रहे है, वो बोले कुणाल मात्रे। अभी कुणाल मात्रे ये लोग रात को ला के रख देता है और सुबह फिर ढकलना चालू करते हैं। मुझे बोलते हैं आप बात करो, मैं बोला फोन के ऊपर मैं बात नहीं करेगी, आप सामने आके बात करो, जो कुछ भी सामने बोलो, मैं फोन के ऊपर क्यों बात करूँ आपसे? अभी आपको दीवा पुलिस स्टेशन में बुलाया, हाँ। तो वहाँ से जाने के बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अरे पुलिस स्टेशन में बुला के कुछ ले, मेरे को भी बुलाया था, मैं ऐसे अच्छा। ही गया था रात हाँ। को जब वो लोग रास्ता बंद कर रहा था हमारा वो जयराम घाट का, तो मैं विरोध किया, तो मेरे को पुलिस बुलाया, पिंजरा लेके आए वो गाड़ी मस्त की हाँ। दमदटी एक कैसा, मैं तो बोला तुम पुलिस कंप्लेंट भी एफआईआर भी किया कुछ भी गुना, तो हम घर मतलब ये भरने वालों का साथ पुलिस दे रही है, हाँ प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन लेके भराव चालू है, हाँ ये पुलिस से, पुलिस ये भी नहीं बता रही है किस काय की भरनी है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं वो सीधा बोलता है आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर किधर जाना बोलता है, उमरा जाओ न तो थाना जाओ, उसके बाद ये सब क्या है, गलत है, मतलब टहला के आप लोग को निवेदन है एकनाथ शिंदे साहब जी से, आप इधर आओ दीवा में, इधर देखो क्या चल रहा है, जो भूमिपुत्र है इधर का फार्मर है वो क्या कर रहे हैं, उनको कितना दबाव आ रहा है,
उनके खेत में मिट्टी डाल रहे, भरनी डाल रहे जबरदस्ती। उनको कुछ हम लोग क्या करेंगे अगर नहीं आएंगे देखने के लिए? हम इधर आत्मदान करेंगे। हम मैं तो मेरे बच्चे के साथ सब लोग आत्मदान करेंगे। उसके पीछे उसके नीचे हम लोग सीएम तो कितना दूर में थाने में ही है। मैं पेट्रोल ला के रखा है, युवा में क्या चल रहा है देखना चाहिए। मीडिया वाले सब बात में जा रहे हैं तो सीएम सबको पता है ना। अगर इधर वापस भरनी हो गया हम लोग आत्मदान करेंगे। सब ने क्या चल रहा है क्या नहीं है कि फार्मर लोग के साथ में कितना इन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, एक बार आके तो देखना चाहिए। लोग ने डाला 12 बजे और फिर सुबह सर का आया। मैं वही सिविल सूट करने को गया था और किया। अभी 6 बजे मेरा कॉपी आएगा और वो भेज देना ना। देगा ना? क्यों नहीं देगा? बोलो ना, सिविल सूट करने गया था, बोलो ना उनको 2 मिनट। भर रहे ले गाड़ी का पेट्रोल। फिर रात को कर रहा है, दिन को नहीं, पहले दिन को चाहिए थोड़ा भी। और इसमें पूरा ये चला बोमार बोमार चला बिगड़ा ना गोड़ा को बोरी बिगड़ा का मैं आप लेकिन नहीं टाकूंगा।